स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल का ये लास्ट टॉपिक है और इसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ते हैं ट्रायंगल के अंदर। ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी से, और बी क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो बी से अगर ए सी के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें से बी डी, तो इससे जो दो ट्राइंगल बनेगी ए डी बी और बी डी सी और एक बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी। तो ये क्या कहता है कि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है वो ए डी बी के सिमिलर होगी और ए बी सी बी डी सी के भी सिमिलर होंगी, और ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स बनी हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं सिमिलर होंगी। ठीक है, ऐसा ही कहा तो आपको गिवन का एक ट्राइंगल ए बी सी जिसके अंदर एंगल बी क्या है 90 डिग्री एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, आपको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी एंड ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी। ठीक है, वही बात हुई कि ये बड़े वाले ट्राइंगल इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स के सिमिलर हैं और ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। देखो बड़ा इजी है प्रूव करना। फर्स्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे ए डी ए बी सी और ए डी बी में, तो ए बी सी में आपको एंगल बी 90 डिग्री दिख रहा है और ए डी बी में आपको डी एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो एक तो एंगल 90 डिग्री हो गया और एक ए डी बी और ए बी सी में एंगल ए क्या है कॉमन है, तो बाय डबल एंगल दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर। सेम ए बी सी और बी डी सी के लिए हो जाएगा, ए बी सी और बी डी सी में देखो क्या है एंगल सी कॉमन है, यहां सी डी बी में एंगल डी 90 डिग्री है और ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। ये हमने लिखा कि ए बी सी और बी डी सी में एंगल सी कॉमन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, तो बाय डबल एंगल दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है इनकी ए बी सी, ए बी सी ये इसके सिमिलर ये इसके सिमिलर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी, ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी। अगर ऐसे ना कहना चाहें तो एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि ए डी बी और सी डी बी में एंगल डी 90 डिग्री है दोनों में। अब पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ए डी बी में लिखेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है 180 डिग्री, कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका एंगल ए बी डी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा, और ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने अभी प्रूव किया उसी पे बेस्ड पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो एंगल 90 डिग्री रहेगा उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रहता है। जैसे यहाँ एंगल बी 90 डिग्री है तो बी के सामने वाली ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर हमने क्या कहा ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अभी अभी जैसे हमने कि प्रूव किया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, तो उसी का हम यूज कर लेंगे ए बी सी सिमिलर टू ए डी बी, तो यहां से ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। नेक्स्ट जो हमने एक और चीज प्रूव की थी कि ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी बी में क्या है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन,
बाय डबल एंगल दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते ही हम लोग क्या कहेंगे, यहां से बी सी अपॉन डी सी इज इक्व टू ए सी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्व टू ए सी इंटू डी सी नंबर टू। अब वन प्लस टू करेंगे, वन में क्या था ए बी स्क्वायर इज इक्व टू ए सी इंटू ए डी था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्व टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। यहां से ए सी कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा ए सी, ए सी इंटू ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्व टू ए सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का एक और नाम है बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं इसको, इंडियन मैथमेटिशियन थे उन्हीं के नाम पे बोला जाता है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रहता है तो जो पहले वाली साइड थी उसके सामने वाला एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री। यानी कि अब हमें क्या गिवन है, माना एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी जिसके अंदर ए सी स्क्वायर इज इक्व टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी के सामने वाला एंगल मीन्स ए बी सी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, देखो इसका प्रूफ बड़ा ईजी है, इसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल और कंसिडर कर लेते हैं पी क्यू आर, और उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं कि जो पी क्यू की लेंथ है दैट इज इक्व टू ए बी, और जो क्यू आर की लेंथ है दैट इज इक्व टू बी सी, और पी क्यू और क्यू आर के बीच में एंगल रखते हैं 90 डिग्री, फिर हम लोग पी और आर को ज्वाइन कर देते हैं। अब क्यू 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी पी आर स्क्वायर इज इक्व टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी क्यू तो हमारा ए बी के इक्वल है तो पी क्यू को ए बी से रिप्लेस कर देंगे, क्यू आर बी सी के इक्वल है तो क्यू आर को बी सी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि पी आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बट हमें गिवन क्या है कि ए सी स्क्वायर इज इक्व टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करेंगे तो पी आर स्क्वायर इक्व टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, दिस इंप्लाई पी आर इज इक्व टू ए सी। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी इज इक्व टू पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, बी सी इज इक्व टू क्यू आर बाई कंस्ट्रक्शन, पी आर इज इक्व टू ए सी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो ट्रिपल एस से ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मीन्स एंगल बी किसके इक्वल रहेगा, एंगल क्यू के, और एंगल क्यू क्या था, 90 डिग्री, मीन्स एंगल बी भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल क्या है, बी 90 डिग्री। तो बेटा ये था पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, और ये दोनों ही प्रूफ क्या है, बड़े ही ईजी हैं। थैंक यू।